हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए मीट मी आफ्टर स्कूल का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम अकीरा को देखते हैं जो अपना अब तक का सारा एक्सपीरियंस एक डायरी में लिख रहा होता है कि कैसे उसे उसकी ही टीचर से प्यार हो गया और अपनी सेल्फिशनेस की वजह से ना केवल उसने अपने लिए बल्कि अपनी टीचर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट की। और आज उस इंसिडेंट को हुए 3 साल हो गए हैं और अब अकीरा एक अडल्ट हो चुका है, पर वो अपनी मॉम के साथ नहीं रहता और 2015 के उस समर के बाद से उसने हिजरी को कभी नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कोकोनोए एंड फ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में, जहाँ कोकोनोए स्टूडेंट रियूनियन रखने की बात करता है और उनकी बातों से पता चलता है कि समर के उस इंसिडेंट के बाद से किसी ने अकीरा को नहीं देखा। अकीरा ने ना केवल अपना स्कूल बल्कि अपना शहर भी चेंज कर लिया और आज तक किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो रूना हिजरी के बारे में पूछती है तो वे सभी बताते हैं कि हिजरी का भी कुछ अता पता नहीं है और उस इंसिडेंट के बाद से हिजरी और अकीरा को लेकर बहुत सारे रूमर्स थे, जैसे कि हिजरी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने जल्दबाजी में अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली एंड ऑल, लेकिन अब वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। फिर हम हिजरी को देखते हैं जो कि एक छोटे से टाउन में एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है और यहाँ पे उसे सभी लाइक करते हैं, सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स भी। फिर हम सारे टीचर्स को हिजरी के बारे में बातें करते सुनते हैं, जहाँ वो सभी बातें कर रहे होते हैं कि 3 साल पहले हिजरी की शादी होने वाली थी पर उसने शादी नहीं की, यानी यहाँ पे हिजरी के पास्ट के बारे में किसी को नहीं पता। फिर हम यहाँ पे हिजरी की रूमी जो कि उसकी फ्रेंड है उसे भी देखते हैं जो कि यहाँ एक टीचर है, और हमें यहाँ कहानी का एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है काजुकी। और काजुकी इसे स्कूल में एक होम रूम टीचर है और वो हिजरी को लाइक करता है। तो काजुकी हिजरी की फ्रेंड से पूछता है कि हिजरी ने 3 साल पहले शादी क्यों नहीं की थी, तो उसकी फ्रेंड उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और हमें कहानी का एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है अयानो। अयानो इसी स्कूल में एक स्टूडेंट है और जब वो अपने घर जा रही होती है तो वो गिर जाती है और उसे चोट लगती है, तो हिजरी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ हिजरी अयानो से बात करने की कोशिश करती है पर अयानो उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। तो हिजरी को अकीरा के साथ का वो टाइम याद आ जाता है जब उसने अकीरा से पहली बार बात करने की कोशिश की थी और अकीरा ने उसे थप्पड़ मार दिया था, पर अयानो बताती है कि हिजरी के गाल पर एक मच्छर था। तो हिजरी हंसने लगती है और बोलती है कि उसने तो उसको सरप्राइज़ कर दिया और फिर उसे थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं हिजरी की फ्रेंड को जो हिजरी को बताती है कि वो अयानो को लेकर उसके घर जाए क्योंकि काफ़ी दिनों से अयानो की मॉम से उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है और उन्होंने फ़ीस भी सबमिट नहीं की है, तो हिजरी जाकर चेक करे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम अयानो और हिजरी को देखते हैं अयानो के घर पर जो कि काफ़ी मेसी था। तो अयानो की मॉम हिजरी को थैंक यू बोलती है अयानो को घर लाने के लिए और हिजरी को वापस जाने को बोलती हैं, पर हिजरी अयानो और फीस के बारे में बात करती है तो अयानो की मॉम बोलती हैं कि वो कल फीस सबमिट कर देंगी और दरवाज़ा बंद कर देती है। पर हिजरी वहाँ पे एक आदमी का जूता देखती है तो वापस जाकर बताती है कि शायद अयानो के घर पे कोई गेस्ट था इसीलिए उसकी मॉम से उसकी प्रॉपर बात नहीं हो पाई। तो सारे टीचर्स बताते हैं कि अयानो की मॉम का बहुत लोगों के साथ अफेयर चलता है और चूंकि एक छोटा सा टाउन है तो ये सारी बातें यहाँ जल्दी फैलती हैं, और अयानो की मॉम का उसके हस्बैंड के फ्रेंड के साथ भी अफेयर था, एक फॉरबिडन लव, इसीलिए उसका डिवोर्स हो गया। यहाँ पे सारे टीचर्स जैसे गॉसिप कर रहे थे, ये हमारी सोसाइटी का इमेज दिखाया गया है, मतलब फॉरबिडन लव के बारे में बातें सभी करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ही से हमारे ही बीच में से कोई बंदा उठता है और ये स्टोरी बनाता है तो लोग फिर उसके बारे में गॉसिप करना भी स्टार्ट कर देते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो हिजरी भी ये सारी बातें सुन रही होती हैं क्योंकि वो भी कभी गॉसिप का एक टॉपिक हुआ करती थी और उसकी सारी पुरानी बातें उसे याद आने लगती हैं और गलती से उसके हाथ से एक कप टूट जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अयानो की मॉम के बारे में जितनी भी बातें थी वो सभी सच हैं और अयानो तो जैसे कि वो इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम हिजरी और काजुकी को साथ में देखते हैं कप खरीदते हुए क्योंकि हिजरी के हाथ से एक कप टूट गया था। तो काजुकी बताता है कि हिजरी प्रिंसिपल को पता चलने से पहले ये कप बाकी कप्स के साथ रख सकती है, और फिर दोनों बुक्स देखने लगते हैं और तभी हिजरी की नज़र पड़ती है अकीरा पे। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा, पर नहीं, अकीरा सच में वहाँ था एक बुक शॉप पे
और हिजरी बस उसको देखती रह जाती है। इतने सालों बाद हिजरी अकीरा को देखती है तो उसे अपने पास्ट की सारी बातें याद आने लगती हैं, और जब काजुकी उसे बुलाता है तो हिजरी नहीं सुनती है। और जब अकीरा को लगता है कि कोई उसे देख रहा है और वो हिजरी की तरफ देखता है तो हिजरी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा के मॉम के फ्रेंड भी हिजरी को देख लेते हैं और वो अकीरा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं ताकि अकीरा हिजरी को ना देख सके। फिर हम देखते हैं अकीरा की मॉम को जो अपनी फ्रेंड की मॉम के पास आती हैं और उनको पैसे देती हैं, और हमें पता चलता है कि अकीरा अब एक बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ता है और अब अपनी मॉम के फ्रेंड और उनकी मॉम के साथ रहता है। और उस समर इंसिडेंट के बाद से अकीरा अपनी मॉम से बात नहीं करता, और आज भी जब अकीरा की मॉम के फ्रेंड उसे बताते हैं कि अकीरा की मॉम उससे मिलने आई हैं तो अकीरा अपनी मॉम से मिलने नहीं आता। बाद में अकीरा की मॉम के फ्रेंड उसको बताते हैं कि उन्होंने आज हिजरी को देखा पर अकीरा ने उसे नहीं देखा। फिर अकीरा की मॉम बताती हैं कि उस समर उन्होंने भले ही अकीरा और हिजरी को अलग कर दिया पर उसके बाद अकीरा उनसे नफरत करता है, तो उनके फ्रेंड अकीरा को कुछ टाइम देने को बोलते हैं। और अकीरा की मॉम बताती हैं कि उनके लिए अकीरा की फ्यूचर से इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है। फिर वो पूछती हैं कि क्या हिजरी ने शादी कर ली, क्योंकि उस टाइम उसका एक फियांसे भी था। और सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है कवाई पे, जो कि अब टोक्यो में जॉब करता है और पहले जैसा नहीं रहा, शॉर्ट टेम्पर हो चुका है और अपने हेड से किसी बात पर बहस करके अपनी जॉब छोड़कर जा रहा होता है। तो उसकी कलीग बोलती है कि जाने से पहले तुम न्यू सेक्शन चीफ से मिल लो, और न्यू सेक्शन चीफ कोई और नहीं बल्कि होती है योशिदा, जो कि कवाई का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको वापस से जॉब पर आने को कहती है। फिर दोनों 3 साल पहले की बातें करने लगते हैं और कवाई 3 साल पहले उसकी बातें सुनने और उसकी हेल्प करने के लिए योशिदा को थैंक यू बोलता है। तो योशिदा पूछती है कि क्या वो हिजरी के साथ कांटेक्ट में है, और फिर अकीरा के बारे में बताती हैं और बातें करने लगती है कि अब तो वो एक अडल्ट हो चुका होगा। तो कवाई बोलता है कि उसे अब इन सब से कोई मतलब नहीं है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं हिजरी को जो अपने घर पर होती है और अकीरा के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि आज 3 साल बाद उसने अकीरा को देखा था और आज भी वो अकीरा के लिए शायद वैसा ही फील करती है जो 3 साल पहले करती थी। और तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है उसके लिए फ्रूट्स लेकर, और दोनों साथ साथ डिनर और बातें करते हैं। तो हिजरी अपने फ्रेंड को बताती है कि आज उसने अकीरा को देखा पर उसने उससे बात नहीं की और ना ही उसके सामने गई। हिजरी बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी थी, पर वहाँ उसके पेरेंट्स को अपने नेबर से झूठ बोलना पड़ता था कि आखिर हिजरी यहाँ क्यों रह रही है और उसने स्कूल क्यों छोड़ा। इसीलिए वो यहाँ आ गई और यहाँ एक एलिमेंट्री टीचर बन गई, और इसके लिए वो अपनी फ्रेंड को थैंक यू भी बोलती है और बताती है कि अकीरा के यूनिफॉर्म से लगता है कि अकीरा एक प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ता है और उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की होगी, इसीलिए वो अकीरा के लिए एज अ टीचर खुश है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि अभी हिजरी जिस स्कूल में पढ़ा रही है उसके लिए सिर्फ उसी ने उसकी हेल्प नहीं की, बल्कि हिजरी के प्रीवियस स्कूल के हेड टीचर ने भी उसके लिए लेटर लिखकर सिफारिश की थी। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जब हेड टीचर हिजरी का लेटर पढ़ रही होती हैं, जिसमें हिजरी ने उन्हें और बाकी टीचर्स को सॉरी बोला था और कहा था कि वो सबको मिस करेगी और एक अच्छा टीचर बनना चाहती थी पर वो शायद नहीं बन पाएगी, और हेड टीचर वो पढ़कर इमोशनल हो जाती हैं। फिर हिजरी की फ्रेंड बताती है कि उसको पता था कि हिजरी एक अच्छी टीचर बनना चाहती है, और उसके पैशन को देखकर भले ही हिजरी ने गलती की थी लेकिन उसने उसकी हेल्प की, और अब तक वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा करेगी, बस वो अपने पीछे को भूल जाए क्योंकि वो वापस से रिपीट नहीं होने वाला है। और फिर वो हिजरी को बताती है कि काजुकी हिजरी को लाइक करता है तो हिजरी को भी उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, पर हिजरी बोलती है कि अभी वो सिर्फ अपनी टीचिंग्स पर फोकस करना चाहती है। एक मिनट, यही बात उसने फर्स्ट एपिसोड में भी बोली थी ना, फिर क्या हुआ ये हम सभी को पता है, अब देखो आगे क्या होता है। ओके, बैक टू स्टोरी। और फिर डोरबेल रिंग होती है और इस बार होते हैं हिजरी के फ्रेंड के हस्बैंड, जो फिर हिजरी के लिए फ्रूट लेकर आए थे। मतलब यार कितना फ्रूट्स खिलाओगे इसे, बस भी करो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्टूडेंट रीयूनियन, जहाँ पे रूना, कोकोनोय और सारे फ्रेंड्स होते हैं, और इतने सालों बाद अकीरा को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, और कोकोनोय अकीरा का वेलकम करता है कुछ इस तरीके से, और फिर पूछता है कि कोरियन ड्रामा लवर्स के वीडियोस देखे कि नहीं देखें। तो अकीरा बताता है हाँ देखें ना, 100 बार देखें। अच्छा, बहुत हो गया एडवर्टाइजमेंट, अब बैक टू स्टोरी।
तो वो फिर सारे के सारे हमारे अकीरा से पूछने लगते हैं कि वो किस स्कूल में गया था, वो अभी कहाँ है, क्या पढ़ाई कर रहा है, वगैरह वगैरह। और फिर सभी हिजरी के बारे में बातें करते हैं कि अकीरा तो स्कूल टाइम में हिजरी के पीछे पागल हो चुका था, उसे उसे प्यार हो चुका था, तो क्या अभी भी वो उसके कॉन्टैक्ट में है। जिस पे कि अकीरा पूछता है, कौन हिजरी? नहीं मतलब ये मजाक हो रहा है, इतना कुछ करने के बाद ये लड़का पूछ रहा है कौन हिजरी, इसे क्या हो गया, दिमाग घूम गया इसका। फिर इधर हम देखते हैं हिजरी को जो कि काजुकी के साथ अपने घर जा रही होती है और हिजरी का वेट कर रहा होता है कवाई, तो काजुकी वहाँ से उनको गुड बाय बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कवाई और हिजरी को देखते हैं जहाँ कवाई बताता है कि उसे हिजरी की मॉम से उसका एड्रेस पता चला और वो हिजरी को 3 साल पहले उसने उससे रूडली बात की थी कि हिजरी अब लाइफ टाइम अकेली रहे, इसके लिए सॉरी बोलता है और बताता है कि उसे 3 साल लग गए हिजरी को सॉरी बोलने में। और फिर दोनों 3 साल पहले की बातों को लेकर आज के टाइम पे एक दूसरे को सॉरी बोल रहे होते हैं। और जब कवाई वापस जाने लगता है तो वो हिजरी से काजुकी के बारे में पूछता है, तो हिजरी बताती है कि वो बस काजुकी की असिस्टेंट है और कुछ नहीं। तो कवाई उसे लाइफ में आगे बढ़ने और हमेशा खुश रहने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं अकीरा को जो रीयूनियन ख़त्म होने के बाद रूना को उसके साथ चलने को बोलता है। फिर हम दोनों को एक पार्क में देखते हैं जहां रूना अकीरा से उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये पूछती है। तो अकीरा बताता है कि अभी वो जिस स्कूल में जाता है वहां उसे बहुत पढ़ना पड़ता है और इसीलिए उसके पास ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होता। और फिर रूना उससे प्रपोज करती है और बोलती है कि ये उसने अकीरा को 4th टाइम प्रपोज़ किया है। वाह, ये गिन भी रही है। फिर पूछती है कि क्या अकीरा किसी को डेट कर रहा है, तो अकीरा बोलता है कि उसे नहीं पता और दोनों की छोटी मोटी लड़ाई दिखाई जाती है। लेकिन ये क्या जवाब हुआ, उसे नहीं पता, ये लड़का ना सच में एयर हेड है। इधर हम कवाई को देखते हैं जो योशिदा के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है अब तक उसकी हेल्प करने के लिए और फिर उसे प्रपोज करता है। यानी फाइनली ये बंदा तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया। नेक्स्ट सीन में हम अकीरा एंड फ्रेंड्स को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जहां रूना सभी को प्लेनेटेरियम चलने को कहती है, तो सभी बिजी होते हैं कि तभी अकीरा की एक्स गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है जो अकीरा को हाय हेलो करके वहां से चली जाती है। और रूना ये जानकर कि अकीरा की एक्स गर्लफ्रेंड है सैड हो जाती है, तो अकीरा रूना को प्लेनेटेरियम चलने को बोलता है, वो भी बस वो दोनों, तो रूना खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं अकीरा की मॉम को जिनके फ्रेंड उसको बताते हैं कि अकीरा अब अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और ये जानकर अकीरा की मॉम बहुत खुश होती हैं। पर उनके फ्रेंड बताते हैं कि हिजरी अब एक स्कूल में टीचर है और उनको फिक्र है कि कहीं ये बात अकीरा भी ना जान जाए। तो अकीरा की मॉम बोलती हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी हिजरी टीचिंग कैसे कर सकती है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं हिजरी को जो सभी बच्चों के साथ पिकनिक पर आई होती है और यहाँ सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम सभी को लंच करते हुए देखते हैं जहाँ काजुकी हिजरी से पूछता है कवाई के बारे में, तो हिजरी बताती है कि 3 साल पहले दोनों शादी करने वाले थे पर किया नहीं। जिस पे काजुकी बोलता है कि कवाई काफ़ी हैंडसम है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हिजरी ने उसे शादी नहीं की। फिर हिजरी देखती है अयानो को जो अपना लंच लेकर नहीं आई थी, और जब सभी बच्चे हेल्प करते हैं उसको अपना लंच देकर, तो वो किसी की हेल्प नहीं लेती, तो हिजरी उसे अपना लंच करवाती है। और फिर जब पिकनिक ख़त्म होकर सभी वापस घर जा रहे होते हैं तभी अयानो अकेली घर जाती है क्योंकि उसकी मॉम उसको लेने नहीं आई थी। तो हिजरी और काजुकी उसके साथ उसके घर जाते हैं जहां एक लेडी अयानो की मॉम के साथ लड़ाई कर रही होती है, और हमें पता चलता है कि ये लेडी के हस्बैंड और अयानो की मॉम का अफेयर है और इसीलिए वो यहाँ आई है ताकि वो अयानो की मॉम को ये सब करने को बंद कर सके। और फिर अयानो की मॉम से लड़ने लगती हैं, तो हिजरी दोनों को शांति से बात करने को बोलती है, जिस पे वो लेडी बताती है कि अयानो की मॉम बहुत ही गिरी हुई कैरेक्टर की लेडी हैं और कुछ लोग को चाहे जितना भी समझा लो कभी नहीं समझते। और ये सारी बातें हिजरी को कहीं ना कहीं तो हर्ट कर रही थी। फिर उस लेडी के चले जाने के बाद अयानो की मॉम हिजरी और काजुकी को वापस जाने को बोलती हैं बिल्कुल नॉर्मली, ये लेडी भी ना अजीब ही है। और फिर वो सभी अयानो को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कवाई को जो योशिदा को ज़बरदस्ती किस करता है कि यार अब तो रिलेशन में आ जा, पर योशिदा उससे बोलती है कि अगर कवाई उसे हिजरी का रिप्लेसमेंट समझ रहा है तो वो ये सब यहीं पर रोक दे। जिस पे कवाई उसे फिर से किस करता है और इस बार फाइनली दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इधर प्लेनेटेरियम में अकीरा सो जाता है, और शो ख़त्म होने के बाद जब वो रूना को घर छोड़ने जाता है तो रूना उससे बोलती है कि वो आज अकीरा के साथ रहना चाहती है। तो फिर दोनों एक होटल में आते हैं और यहाँ रूना इधर उधर उछल कूद मचाने लगती है।
फिर वो अकीरा को बोलती है कि वो उससे बहुत पहले से लाइक करती है, पर अकीरा बस हिजरी के बारे में ही सोचा करता था। जिस पे अकीरा बोलता है कि तब वो अपने आपे में नहीं था, तो रूना उसे हिजरी को भूल जाने को कहती है। और यहाँ पर रूना और अकीरा एक दूसरे को किस करते हैं, और ये पॉइंट ना मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मैंने अकीरा से ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, स्पेशली मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। इधर अयानों के घर से वापस आने के बाद जब काजुकी अपने घर जा रहा होता है, तो वो हिजरी से पूछता है कि क्या आज भी हिजरी अकीरा को मिस करती है, जिस पे हिजरी शॉक हो जाती है। तो काजुकी बताता है कि उसके फ्रेंड का एक फ्रेंड उसी स्कूल में पढ़ाता है जिसमें पहले हिजरी पढ़ाया करती थी, और काजुकी को हिजरी के बारे में उसी से पता चला। फिर वो हिजरी से सॉरी बोलता है उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, और वहाँ से जाने लगता है। पर हिजरी उसे सारी बातें बताती है कि कैसे 3 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी, फिर उसे अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो गया और सब कुछ छोड़कर अब वो यहाँ आ गई है। और इतने सालों बाद वो फिर से अकीरा से मिली, और उसको देखकर उसे खुशी हुई कि आज अकीरा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। पर वो आज भी वहीं की वहीं है। जिस पे काजुकी उसको बोलता है कि हिजरी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, और जो हुआ वो उसको भूल जाए, और धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और हिजरी को मोटिवेट करता है और बोलता है कि वो हमेशा उसको सपोर्ट करेगा, और हिजरी उसको थैंक यू बोलती है और इमोशनल हो जाती है। आफ्टर ऑल इतने टाइम बाद उसको कोई समझ पा रहा था और उसके सपोर्ट में खड़ा था, और काजुकी उसको हग कर लेता है। और ऐसे ही तीनों की न्यू लाइफ की बिगनिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।